नाउ क्वेश्चन सेवन देखिए. इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट पॉइंट पी. इस पॉइंट पी पर एक टेंजेंट को हमने ड्रॉ कर दिया है. एंड वो कह रहा है इन सर्कल सेंटर्ड एट ओ. इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है, ओ पर है. जो टी पी क्यू एंगल है, टी पी क्यू ये बड़े वाला एंगल, वो 110 डिग्री का दे रखा है. तो पी ओ क्यू मुझे बताना है कि कितना होगा ये वाला एंगल. दिस पी ओ क्यू मीन्स दैट एंगल मुझे यहां पर बताना है. अब जरा आप समझो कि यहां पर हम कैसे निकालें. ये पूरा मुझे पता है, ये वाला एंगल भी मैं जानता हूं कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा. आप कहेंगे सिंस ओपी इज रेडियस एंड टीपी इज टेंजेंट, और जो रेडियस और टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर जो एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री का बनता है. एंगल ओपीटी इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. तो क्वाइट सिंपल हो गया. इस पूरे वाले एंगल टी पी क्यू को, एंगल टी पी क्यू को मैं दो पार्ट्स में लिख सकता हूं. एक तो ये वाला पार्ट प्लस में ये वाला पार्ट. तो ये आपका हो गया, दिस इज टी पी ओ प्लस दिस एंगल ओ पी क्यू. एंगल ओ पी क्यू अब ये मुझे पता है तो इस तरफ ले आओ. ओ पी क्यू मुझे निकालना है तो टी पी क्यू कितना है मेरा, टी पी क्यू है 110 डिग्री. इसको इधर लाएंगे माइनस का 90 डिग्री, तो ये आ गया 20 डिग्री. ये वाला जो एंगल है वो मुझे मिल रहा है 20 डिग्री. ये भी कितना हो गया 20 डिग्री. ऐसा क्यों सर? अब देखिए, जब आपके पास ये दोनों साइडें इक्वल हो तो इनके अपोजिट बनने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो आप कह सकते हो ओ पी क्यू, ओ पी क्यू एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू पी बिकॉज यहां पे आप कह देंगे ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू. ओपी जो है वो ओ क्यू. आप बोले सर क्यों, क्योंकि ये रेडियस है. ओपी भी रेडियस और ओ क्यू भी रेडियस, तो ये इक्वल हो गए. आप बोल देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. जो अपोजिट साइड एक बनते हैं एंगल्स, वो क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स के वो इक्वल होते हैं. तो ये वाला एंगल भी कितने का हो गया, 20. दोनों ही 20 डिग्री के हो गए. अब ये एक ट्रेंगल बन रहा है. इन ट्रेंगल ओ पी क्यू आप ले लोगे तो आप कहेंगे कि दिस इज पी ओ क्यू. ये एंगल है पी ओ क्यू प्लस 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये 40 डिग्री आप इधर ले आएंगे, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज 140 डिग्री. यानी ये वाला जो एंगल है वो कितने का आ गया, दैट इज 140 डिग्री, 140 डिग्री का यहां पे आ रहा है. क्या कंसेप्ट हमने यूज कर लिया, ये वाला एंगल 90 का पूरे में से घटाया, ये 20 का मिल गया. ये दोनों रेडियस, तो इनके अपोजिट बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो ये 20 का तो ये भी 20 का, और फिर ट्रेंगल में लगाया और एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया तो हमें जो एंगल है वो 140 डिग्री. दैट मींस आप ऑप्शन सी को इसके अंदर टिक करेंगे.